नमस्कार। सिमरन की रसोई .com में मैं सिमरन बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बैंगन मसाला करी बनाएंगे। बैंगन मसाला करी बनाना बहुत ही इजी है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए बैंगन मसाला करी बनाने की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। बैंगन मसाला करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम बैंगन लिए है। बैंगन को मैंने अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज, दो मीडियम साइज के टमाटर, दो हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक का, सभी को मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कच्ची मूंगफली ली है, 2 टेबलस्पून दही। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर कश्मीरी यूज किया है, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगी। बैंगन मसाला करी मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी बनती है। सबसे पहले हम बैंगन को इस तरह से काट लेंगे, नीचे से ये जुड़े रहने चाहिए। इस तरह से हम इसमें 2 कट लगा लेंगे और देख लेंगे कि हमारे बैंगन बिल्कुल अच्छे हो, कोई कीड़ा वगैरह ना हो। ये सारे बैंगन हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने गैस पर यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हम ये अपनी मूंगफली डाल देंगे और मूंगफली को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में हम ये प्याज, अदरक, हरी मिर्च और साथ में ये टमाटर भी डाल देंगे और इनको हम चलाते हुए नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारे प्याज टमाटर आप देख सकते हैं नरम हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इनकी हम प्यूरी बना लेंगे। अब मैंने सेम कढ़ाई ली है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। इसमें हम अपने बैंगन है जो उनको फ्राई करेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हम ये बैंगन डाल देंगे और बैंगनों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमारे बैंगन फ्राई हो चुके हैं, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये हमारे प्याज टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं, इनको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और साथ में ये मूंगफली भी डाल देंगे। अब इनका हम बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये इनका मैंने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया। अब कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हम 1 पिंच नमक डाल देंगे, इससे हमारी सब्जी में तेल की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब इसमें हम ये जीरा डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इनको हम थोड़ा सा चला लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम ये प्यूरी डाल देंगे। प्यूरी डालने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर तेल छोड़ने तक पकाएंगे। साथ में इसमें हम ये धनिया पाउडर भी डाल देंगे और नमक। ये मसाले से तेल अलग होने लगा। अब इसमें हम दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और इसी तरह चलाते हुए हम 1 मिनट तक पकाएंगे। दही डालने के बाद इसको लगातार चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार हमारी दही फट सकती है। दही डालने के बाद इसको मैंने 1 मिनट तक चला लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ये अपने फ्राई किए हुए बैंगन डाल देंगे और बैंगनों को हम
ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। ये गरम मसाला भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट तक पकने देंगे, जिससे कि बैंगन में भी ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। 5 मिनट हो चुकी है, आइए चेक कर लेते हैं। मैंने ग्रेवी में थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे बैंगन सॉफ्ट हुए या नहीं। एक फोक की सहायता से इस तरह हम दबा के देख लेंगे। हमारे बैंगन लगभग सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ी सी कमी है। अब ढककर हम ग्रेवी को 2-3 मिनट तक और पका लेंगे। दो तीन मिनट हो चुकी है, ये हमारी मसाला बैंगन करी अब बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। और ये हमारी बैंगन मसाला करी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। आप इसे रोटी, पूरी, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।